नमस्कार मेहमान, और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। पटना रांची जाने वाले लोग हो जाइए सावधान, क्योंकि प्रतिदिन सुबह से शाम और रात तक लगी रहती है जाम। आपको बता देते, फोर लाइन की निर्माण हो रही है और निर्माण के वक्त नवादा के जो सद्भावना चौक है यहाँ पर सिंगल डायवर्सन बनाया गया है, जिसके कारण जाम में लोग काफ़ी देर फंस रहे हैं और लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं। तस्वीर आपको दिखाएंगे, जो हमारे पीछे आप तस्वीर देख रहे हैं, तो देखिए किस तरह से ये लंबी जाम यहाँ से लेके मुफस्सिल लगभग 2 से 3 किलोमीटर लंबी जाम है, जिसके कारण लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। और आपको बता दें, ये जो रूट देख रहे हैं ये पटना जाने वाली रूट है, जहाँ पर रांची झारखंड से लोग आते हैं और पटना की ओर जाते हैं। और आपको दूसरा तस्वीर दिखाएंगे, जहाँ पर इधर पीछे देख सकते हैं, तो किस तरह से ये जो है ये रांची जाने की रूट है, जहाँ पर तमाम यहाँ पर गाड़ियाँ जो है वो फंसी हुई है और जिसके कारण लोगों को तकलीफ हो रही है। और यहाँ पर काफ़ी लोग हैं जो तस्वीर में आप देख सकते हैं, तो जाम में फंसे हुए हैं। और लोगों का यही कहना है कि ट्रैफिक व्यवस्था बिल्कुल ही सही नहीं है, जिसके कारण लोगों को जाम की समस्या हो रही है। और हम चाहेंगे कि आप तस्वीर में देखिए तो किस तरह से यहाँ पर जाम है, और जाम के कारण लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। तमाम युवक लोग जो पढ़ने के लिए जाते हैं हमारे साथ, देखिए युवक आए हैं बात करने के लिए, क्या दिक्कत हो रही है आप लोग को? दिक्कत हो रही है, 1 घंटा से खड़े हैं जाम में। अच्छा जी, क्या प्रतिदिन है? जी प्रतिदिन है। रोज का यहाँ पे जाम ही रहता है प्रतिदिन। अच्छा, दिक्कत होती है? बहुत दिक्कत होती है पढ़ने लिखने समय। क्या कहिएगा नवादा के लिए? अब क्या कहेंगे, यहाँ का सर्विस ही बहुत ये है, स्लो हो रही है। तो देखिए, एक युवक है, पढ़ने लिखने वाले युवक है, ये आ रहे थे, इनको जाम में फंसने को मिला। बता दें तो ट्रैफिक व्यवस्था के कारण जो तमाम लोग हैं वो फंसे हुए हैं और काफ़ी दिक्कत हो रही है जाम की। इस तरह का यहाँ पर जाम लगता है जो आने जाने वाले तमाम लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें तो ये फोर लाइन का निर्माण हो रहा है, और निर्माण को लेकर सद्भावना चौक के पास सिंगल डायवर्सन बनाया गया है। दोनों गाड़ी, रांची से आने वाली गाड़ी भी इसी तरफ से आती है, पटना से जाने वाली गाड़ी भी इसी तरह से जाती है, जिसके कारण ही जाम की समस्या है। और समस्या को लेकर यहाँ पर जो लोग हैं वो जाम की समस्या में जूझ रहे हैं। आपको बता दें तो जिस तरह से फोर लाइन का निर्माण जो कंपनी कर रही है, उनकी पूरी लापरवाही है। रोड के किनारे मिट्टी है, हल्की बारिश होती है, प्रतिदिन कोई ना कोई बाइक सवार गिरते हैं, गाड़ी पलटी मारती है, दुर्घटना में लोग घायल भी होते हैं, लेकिन ऐसे लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये जो रोड बनाया जा रहा है, रोड बिल्कुल ही जनता की सुविधा के लिए फोर लाइन का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन निर्माण से पहले जनता काफ़ी परेशान है और जनता को यहाँ पर काफ़ी दिक्कत हो रही है। और क्या कुछ कह रहे हैं लोग, आइए आपको उनकी बातों को भी हम सुनाते हैं। ये पहले से ही ट्रैफिक की व्यवस्था करना चाहिए था कि आखिर पब्लिक, आम पब्लिक जो है सो किस प्रकार से चल सके और किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। क्या परेशानी हो रही है? परेशानी ट्रैफिक का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ट्रैफिक में इतना जाम है, इतना ज़्यादा जाम हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। गर्मी भी है, जाम भी है। और क्या, बहुत। कितना देर से जाम में है आप? हम लोग 1.5 घंटा से लगभग ऐसे जाम में खड़े हैं, वहाँ से पीछे से अभी कुछ दूर आगे आए, फिर से जाम ही जाम हो रहा है। अब आने जाने में रास्ता अवरुद्ध हो रहा है जी। लगभग 1 घंटा से जाम में फंसे हुए हैं, पीछे 2 किलोमीटर से लंबा जाम लगा हुआ है, बड़े मुश्किल से सामना करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं। ट्रैफिक कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहे, जो जिला बल है, जिला पुलिस है, हम लोग अपना ऑफिस में जो ये करके जाना पड़ रहा है। कहाँ से जा रहे हैं सर? हम आ रहे हैं जमुई से। कहाँ जाइए सर? हम जाएंगे गया। कितना देर से जाम में है सर? हम से 1 घंटा हो गया। परेशानी, रोड जाम है बुरी तरह, हम लोग को निकलने में बहुत परेशानी। गाड़ी थी वो भी अपनी गाड़ी निकाली चली गई, जनता कुछ भी हो उसका कोई मतलब नहीं है, सभी अपने अपने गाड़ी निकालने के चक्कर में। 4 घंटा से रोड जाम है, 8 बजे से लेके 11 बज रहा है, एक भी यहाँ प्रशासन नहीं है, पूरा जनता त्राहि त्राहि मान रहा है। कहाँ गया टीएम, कहाँ गया एसपी? यही नवादा जिला का यही हाल है।